वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। क्या आप भी इस टाइप से फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो, लेकिन आप लोग को यूट्यूब के ऊपर कितना भी सर्च करते हो फिर भी आप लोग को बाकी सारे यूट्यूबर्स आप लोग को फिर भी आप लोग को सच्चाई नहीं बताते होंगे। ओके मेरी जान, मैं ज्यादा बकवास और घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है फोटोली। ओके लोगो देख सकते हो एंड साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर स्पेलिंग के साथ दे रहा हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है फोटोली। ओके सो मैं ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बताने वाला हूँ इस टाइप से फोटो एडिटिंग एंड इस टाइप से फोटो एडिटिंग आप लोग को सिर्फ फोटोली एप्लीकेशन की मदद से आप लोग को जो मैं करके दिखा देने वाला हूँ। वीडियो सिर्फ जो है 5 मिनट का होने वाला है। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को कर देता हूँ स्टार्ट। तो सिंपली वो वाले एप्लीकेशन के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ऊपर के साइड में एडिट का आइकॉन दिख रहा होगा। ओके तो सिंपली एडिट वाले आइकॉन पे आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग का जो फोटो एडिट करना है ना, सिंपली वो वाला फोटो मैं ऐसे क्या करता हूँ, ले लेता हूँ। जो फोटो था ऑलरेडी मैंने एडिट कर लिया था। ओके तो सिंपली ऐसे क्या करता हूँ, वो फोटो ले लेता हूँ। ओके उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, उसके बाद में आप लोग को नीचे के साइड में दिख रहा होगा AI फिल्टर। ओके तो सिंपल AI फिल्टर पर आप लोग को चले जाना होगा एंड यहाँ पर आप लोग को एक दिख रहा होगा स्किन्स का आइकॉन। ओके तो सिंपल इस वाले आइकॉन पर आप लोग को क्लिक करते हैं ना, तो आप लोग कुछ सेकेंड्स वेट करने आप लोग का फोटो जो है ऑटोमेटिकली AI जनरेट ये जो है चालू कर देगा। ओके तो मैं कौन सा ले लेता हूँ पता है आप लोग को, आप लोग को इतने सारे आइकॉन्स आप लोग को दिख रहे होंगे। ओके बहुत ज़्यादा फिल्टर है, तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कौन सा यूज़ करना। आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यही दो हमेशा यूज़ करना। ओके एक विज़र्ड रहिए, एक क्या कि आप लोग को फैंटेसी। ओके आप लोग को मैं दोनों ट्राई करके एक बार बता देता हूँ, उसका रिजल्ट क्या होगा आप लोग के आँख के सामने ही आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप लोग जो मैं क्या करता हूँ फैंटेसी पर क्लिक करता हूँ, तो इसका रिजल्ट जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। तो मैं 5वें नंबर पर यहाँ पर क्या करता हूँ ऐसे एक बार अप्लाई कर लेता हूँ। ओके तो 5वें नंबर पर अप्लाई करने के बाद कुछ इस टाइप से हमारा फोटो जो है बन के आया है। ओके तो यहाँ से अगेन मैं क्या करता हूँ, ये वीज़ा ड्राइव वाले आइकॉन पे जो है क्लिक कर देता हूँ। ओके वीज़ा ड्राइव पर आप लोग क्लिक करने वाले कार से आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ कुछ इस टाइप से हो गया है। तो इसे मैं क्या करता हूँ 5 नंबर वाले आइकॉन पे जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके सो एक बार और देखते हैं मेरी जान किस टाइप से दिखता है। तो इस टाइप से हमारा जो है फोटो दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग कितना क्रिएटिव लुक आ चुका है। ओके बैकग्राउंड पे भी क्रिएटिव एकदम क्रिएटिव लुक के साथ आ चुका है। तो एक बार मैं ये वाला भी शेयर वाला भी जो है मैं एक बार यूज़ कर लेता हूँ। ओके सो इसका रिजल्ट कैसा रहता है वो भी आप लोग के सामने दिखा दे रहा हूँ। सो इसका रिजल्ट देख सकते हो आप लोग कुछ इस टाइप से आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ 5वें नंबर वाला जो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो घुमा फिरा के आप लोग को जो है मैं नहीं समझा रहा हूँ, तो आप लोग को देख सकते हो कुछ इस टाइप से जो है आप लोग का बन चुका है। ओके सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ पता है आप लोग को 4वें नंबर वाला जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो कुछ सेकेंड से ऐसे अगेन लोडिंग लेने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमारा जो है बन चुका है। ओके उसके बाद ऊपर वाले आइकॉन के अंदर आप लोग को दिख रहा होगा राइट वाला आइकॉन, तो इसे राइट कर लेते हैं। ऊपर के आइकॉन पे आप लोग को सेव वाले आइकॉन पे क्लिक करके इस फोटो को क्या करना है आप लोग को जो है सेव कर लेना। ओके जो ट्रिक बता रहा हूँ रियल ट्रिक के साथ, अगेन गैलरी पे मैं आ जाता हूँ, मेरा गैलरी भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हो मैं कितना रियल दिखा रहा हूँ। देन आफ्टर आप लोग का जो एडिट फोटो था, सिंपल इस फोटो को मैं कान ले चलता हूँ अपने फोटो रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो है हमारा बैकग्राउंड कटआउट के लिए। ओके तो कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड कटआउट है हो चुका है। ओके उसके बाद आप लोगों को कुछ सेकंड्स वेट कर लेना है एंड नीचे के आइकॉन पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा 4। ओके तो 3रे नंबर वाला आप लोग को ले लेना। आप लोग तो बैकग्राउंड कटआउट प्रोसेस तो आप लोग को आता ही होगा। तो सिंपल यहाँ से क्या करता हूँ एक्सपोर्ट वाला आइकॉन पे क्लिक करके फोटो जो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ओके इतना सा काम करने के बाद अगेन आप लोग को चले आना है अपने गैलरी में। देन आफ्टर ये वाला जो फोटो था, सिंपल इस फोटो को ले चलता हूँ अपने पिकसाइट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ओके इतना सा काम आप लोग को क्या करना है आराम से एकदम बिल्कुल ही आराम से पहले तरीके से कर लेना है। देन आफ्टर आप लोग को क्या करना होगा ऐड फोटो वाला आइकॉन पे चले जाना होगा एंड जो मॉडल को आप लोग कटआउट किए थे सिंपल वो वाला मॉडल को यहाँ से लेके आना है। सिंपल उस मॉडल को लेके आने के बाद आप लोग कुछ स्टेप आप लोग क्या करना है एडजस्टमेंट कर देना। ओके देख सकते हो आप लोग कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ ऊपर के साइड में आप लोग को दिख रहा होगा इरेज का आइकॉन, तो सिंपल इरेज वाला आइकॉन पे चले जाना होगा एंड आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने कपड़ों के ऊपर से हटा देना होगा। जैसे कि देख सकते हो कितने आराम तरीके से मैं यहाँ पर से हटा रहा हूँ। सो इस टाइप से आप लोग को हटा लेना है एंड आप लोग देख लेना है कहाँ कहाँ पर आप लोग का जो है पैर अपना
जैसे कि मतलब हमारा स्किन जो है आ रहा है, ओके। सो इस टाइप से हमारा स्किन आ रहा था, तो मैं क्या करता हूँ इतने दूर से जो अपना बैकग्राउंड जो है मैं कटआउट कर लेता हूँ, ओके। देख सकते हो आप लोग कितने इजी तरीके से आप लोग को मैंने यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ऐसे मैं क्या करता हूँ, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो सिंपली मैं ऐसे क्या करते रहता हूँ, आराम आराम तरीके से मैं यहाँ पर अपने बॉडी के ऊपर से अपना जो कपड़ा था रियल का वो हटा दे रहा हूँ, सिंपली अपने फेस के ऊपर कोई अप्लाई कर दे रहा हूँ, ओके। इतना सा काम आप लोग को भी कर लेना, देख सकते हो आप लोग सिर्फ मैं कपड़े के ऊपर ही अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। तो इतना सा काम आप लोग को क्या करना है, आप लोग को भी अप्लाई कर लेना, ओके। कितने आराम तरीके से यहाँ पर हो रहा है आप लोग देख सकते हो। सो इतना सा काम आप लोग को क्या करना है, करते रहना है एकदम आराम से, बिल्कुल ही आराम से करना है। जितना हो सके उतना आप लोग को टाइम देना होगा। देख सकते हो आप लोग कितना अच्छे तरीके से, कितना कम समय मैंने आप लोग को कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ, ओके। मेरे सो मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आप लोग क्या करना है पता आप लोग को, जब तक आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ओके। इतना सा तो काम ही रहता है यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। सो वेल मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हो आप लोग कितने कम समय के अंदर आप लोग को मैंने कुछ इस टाइप से फोटो करके दिखा दिया, ओके। बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो। सो आशा करता हूँ आज को आप लोग काफी पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।